दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल द टेक ज्ञान। देखिए, आज हम किसी टेक्निकल वीडियो के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम एक नॉर्मली बात करेंगे। अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। सीधा सीधा फंडा हम बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास MDH कस्तूरी मेथी का पैकेट। इसकी अगर हम MRP की बात करें तो 25 रुपीज़ यानी 25 रुपये की MRP है। कोई माइका लाल जो इसको 10 या 15 रुपये में खरीद के दिखा दे? नहीं खरीद सकता। जबकि अगर हम बात करें तो आजकल किसान का आलू आप देख लेंगे तो 1 रुपये किलो भी मार्केट में मिल जाएगा और 5 रुपये किलो भी मार्केट में मिल जाएगा। बट जब उसी चीज़ को अगर आप खुद खरीदने जाएंगे तो आपको उस रेट में नहीं मिलेगा। ये कानून सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है, पैसे वालों के लिए है। अगर आप इस पैकेट को दुकान पर लेने जाएंगे तो बोलेगा कि आपको लेना है तो लीजिए, अदरवाइज आप कहीं और देख लीजिए। MRP 25 रुपये है तो आपको 25 रुपये में ही मिलेगा। जबकि किसान का आलू जब खेत से उगाया जाता है उस समय उसको 9 या 9.25 दाम में खरीदा जाता है। इसी के बारे में आज हम पूरी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसमें क्या होता है, ये MRP की बात करते हैं हम। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब ये कोई भी आइटम जब उत्पादन इसका होता है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसका सारा रेट रखना, कितना हमें प्राइस रखना है, सारी परमिशन होती है गवर्नमेंट से। वो अपनी मर्जी से इसका रेट रख सकता है। बट वही किसान अगर अपना माल बेचने जाएगा तो उसको अपने रेट की परमिशन नहीं है, बल्कि खरीदने वाला उसके रेट लगाता है। मतलब अगर आप किसी दुकान पर कोई सामान परचेस करने जाते हैं तो दुकानदार आपको बोलेगा इतने रुपए का है, लेना है तो लीजिए। बट अगर आप अपनी फसल जब बेचने जाओगे तो वहाँ पर आड़ती आपसे बोलेगा कि इतने रुपए मिलेंगे, बेचना है तो बेचिए। बस यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंदोलन जो छिड़ा हुआ है वो क्यों चल रहा है, आखिर क्या है इसके पीछे का राज। तो देखिए, कुछ दिन पहले आपको सुनने में आया होगा कि 3 कानून लागू किए गए थे। उनमें मैं आपको बता देता हूँ वो कानून कौन कौन से थे। इसमें पहला कानून था आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। मतलब गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी कि आप किसी आपदा को या किसी आंदोलन अगर छिड़ा हुआ नहीं है या कोई आपदा नहीं है तो आप जितना चाहो उतना भंडारण कर सकते हो। इससे पहले क्या था कि किसान अपने घर में इसको भंडारण कर सकता था। अब कर भी सकता था तो वो किस मजबूरी में आके करता था, कैसे करता था, ये हर बंदा नहीं जानता है। बट अगर हम मान लीजिए किसान अगर कर भी लेता है तो कहाँ भंडारण करेगा, छत उसकी टपकती है, छप्पर टपकता है, कहाँ करेगा अपना भंडारण। और फसल अपनी बेचेगा नहीं तो नेक्स्ट फसल कैसे उगाएगा। तो पूरा फंडा यहीं पर होता है कि आपकी फसल सस्ते में लेके और उसको प्राइवेट एजेंसी उसको भंडारण करेंगी। भंडारण करने के बाद में उसको क्या करेंगी, जब इसकी मार्केट में शॉर्टेज पड़ेगी तो वो 5 रुपये का माल 50 रुपये के रेट में बेचेगी। इससे पहले क्या था, ये कानून लागू होने से पहले क्या था कि अगर कोई भंडारण करते पाया जाता है तो उसको सजा होगी या फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कानूनन जुर्म था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आके खड़ी होती है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं कि इसमें दूसरा हमारा कौन सा कानून लागू हुआ था। दूसरा कानून है इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पार्ले जी बिस्किट जो आता है, आपने देखा होगा, सभी जानते होंगे, पार्ले जी कंपनी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि हम आपका गेहूं 20 रुपये पर KG के हिसाब से खरीदेंगे, आप अपने खेत में गेहूं की फसल उगाइए। अब किसान क्या करता है कि अगर उनके कहने में आ जाता है, उनसे बाउंड कर लेता है, सबसे पहला घाटा किसान का ये होगा कि किसान उनसे लिखित में बाउंड करेगा और उसमें क्या होगा कि किसान की मर्जी नहीं है गेहूं उगाने की, उसकी मर्जी है आलू उगाने की। वो बंधन में फंस चुका है, अब वो अपना प्लान कैंसिल नहीं कर सकता। सबसे पहला घाटा। दूसरा घाटा ये आ जाता है
कि अगर वो 20 रुपए के हिसाब से बाउंड कर लेता है, और 20 रुपए के हिसाब से बाउंड करने के बाद क्या होता है कि अगर वो 20 रुपए के हिसाब से उससे एग्रीमेंट कर लेता है और अगर वो उसमें गेहूं लगा देता है, आने वाले समय में अगर गेहूं मान लीजिए 30 रुपए किलो बिकता है तो 10 रुपए का किसान का घाटा वहां पर हुआ था। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये है कि जब ये कानून लागू नहीं हुआ था, किसान अपनी फसल उगा के जहां मर्जी चाहे वहां बेच सकता था, चाहे वो 2 रुपए में बेचे या 200 रुपए में बेचे। अगर घाटा होता था तब तो है ही है उसका, बट अगर जहां उसे फायदा मिल रहा है तो वहां भी वो बेच सकता था। बट अब क्या है, इस कानून में आके अगर उसने एक बार एग्रीमेंट कर लिया तो वो उस कंपनी को ही बेचेगा, वो कहीं और नहीं बेच सकता। इसमें क्या है, सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाया है और अपना पतली गली से निकल लिए। इसमें भी घाटा किसानों का ही होता है। अब इससे पहले भी होता था तो उसमें भी बहुत इसमें चालबाजी होती थी। उसमें क्या होता था कि मान लीजिए आपका गेहूं 20 रुपए केजी सरकार ने लागू कर दिया, ये मैं बात कर रहा हूं इस कानून लागू होने से पहले की। अब किसान क्या करता है, अपना फसल उगाने के बाद में जब वो फसल कट के आती है ट्रॉली में, ट्रक में, जिसमें भी वो लादता है, उसमें लोड करके जब वो मंडी लेके जाता है तो मंडी का अधिकारी बोलता है जी आज ट्रक नहीं है, आप कल लाना। किसान बेचारा हारा थका दोबारा वापस अपने घर पहुंचता है, अगले दिन फिर वो अपने लोड की हुई गाड़ी को लेकर जब वहां पहुंचता है तो अधिकारी कहता है जी आज लेबर नहीं आई है, आप कल लाना। कोई बात नहीं, किसान दूसरे दिन भी वापस चला जाता है। अगले दिन जब किसान जाता है उससे कोई और बहाना बना के टरका दिया जाता है। हार खा के किसान क्या करता है, जो उसका माल 20 रुपए में बिकना चाहिए वो माल किसान प्राइवेट एजेंसी को या गांव में जो आड़ती घूमते हैं उनके पास 12 या 13 रुपए में बेच देता है। क्योंकि ऐसे अगर किसान बार बार जाएगा तो ना तो किसान के पास इतना टाइम है ना ही इतना पैसा है जो वो डेली का वहां का खर्च उठा पाए, डेली आना डेली जाना, क्योंकि उसे अगली फसल भी उगानी होती है। अब उस कंडीशन में क्या करता है, मान लीजिए सरकारी रेट है आपका 20 रुपए केजी का, अब उसने प्राइवेट आड़ती को वो माल अपना 13 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। अब यहां से शुरू होता है पूरा गेम। अब अधिकारी क्या करता है, 13 रुपए में जो माल प्राइवेट एजेंसी ने आपके पास से खरीदा था उस माल को 15 रुपए के रेट पे उस प्राइवेट एजेंसी से मंडी का अधिकारी खरीद लेता है। 2 रुपए की बचत उसको भी हो गई, प्राइवेट एजेंसी को 5 रुपए की बचत अधिकारी को हो गई, जो कि अधिकारी के जेब में गए। लाखों का घोटाला अधिकारी कर लेता है, गवर्नमेंट को आगे जब लिस्ट पहुंचती है वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, क्योंकि 20 रुपए पूरे हो गए, 13 रुपए में किसान से लिया गया, 2 रुपए बीच की एजेंसी ने खाया और 5 रुपए उस अधिकारी ने खाए। ये गेम होता था इससे पहले। किसान से जब अनाज खरीदने के लिए अधिकारियों के पास लेबर नहीं थी, लाइट नहीं थी, ट्रक नहीं था, कोई सर्विस नहीं थी, बट जैसे ही वो माल प्राइवेट एजेंसी के पास पहुंचा, अधिकारी के पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए। खैर कोई नहीं, अब हम अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तीसरा कानून है कृषि उत्पाद एंड वाणिज्य कानून। इस कानून की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें देखिए खीरा की फसल आपकी होती है, खीरा की फसल अगर आप उसको जब खेत से तोड़वा के लेके आएंगे तो उसको घर में धान गेहूं की तरह तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 दिन में वो सड़ जाएगा, उसको तोड़ के इमीडिएट आपको मंडी पहुंचाना होगा। मिर्च की खेती आपकी है, मिर्च जब खेत से टूटेगी तुरंत आपको मंडी पहुंचानी होगी, घर पे अगर एजेंसी का वेट करेंगे तब तक सड़ जाएगी। लौकी तोरी बैंगन भिंडी बाकी जितनी भी अपना ये सब आता है, अगर इसको आप एजेंसी का वेट करेंगे ये सारी खराब हो जाएगी, आपको मंडी भेजनी ही पड़ेगी। ये चीज पहले से ही लागू है, क्या जरूरत थी इस कानून की, मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो तीसरा वाला कानून है इसमें यही सब आता है और ये सब पहले भी किसान अपने आप ही कर रहा था, तो इसकी इसमें कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बात किया था कि किसान मंडी ले जाकर बेचता है तो उसको बोलते हैं हम MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे पहले जो किसान करता था वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में करता था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या था कि किसान अपनी मर्जी से
अपना सामान कहीं भी बेच सकता है, वो इसमें सरकार को बेचने के लिए बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। बट अब क्या है, जब से ये कानून आ गया है, तो इस कानून के आने के बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पार्ले जी कंपनी से हुआ है, तो आपको वो अनाज अपना पार्ले जी कंपनी को ही बेचना होगा। इससे अलग आप कहीं भी उस सामान को नहीं बेच सकते। अगर आपने आलू की खेती का कॉन्ट्रैक्ट अगर हल्दीराम से किया है, तो वो सामान आपको हल्दीराम ही खरीदेगा। ये है इस कानून का मतलब, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दो नंबर पे हमने बात की थी अभी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने से किसान तो और बंधन में पड़ गया। इससे पहले क्या था, अगर वो मान लो सरकार ने 10 रुपए का रेट जब लागू किया है, तो वो जहां मर्जी चाहे वहां बेच सकता है। 10 रुपए सरकार ने किया है, 10 रुपए अगर उसको पड़ोस वाला कोई खरीदेगा तो वो उसको देगा, क्यों जाएगा मंडी, क्यों दो दो रात सूखेगा वहां। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट का कहना है कि ये सबसे बड़ा बोझ है गवर्नमेंट के ऊपर, ये गवर्नमेंट ने अपने सर से बोझ उतारा है। इसी बात का ये पूरा आंदोलन चल रहा है, इसी बात का बमंडर फैला है पूरे भारत देश में। देखिए, भारत एक कृषि उत्पादन देश है, कृषि प्रधान देश में अगर ऐसा होगा तो सोचिए क्या होगा। ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसान अगर 24-24 घंटे खेत में अगर अपना पसीना बिना उगाए अगर ये काम ना करे, तो सोचिए ये क्या खाएंगे। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये जमीन से लेकर के ऊपर तक की पूरी जानकारी दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वायरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आगे से आपको कोई भी किसी भी तरह की YouTube चैनल से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर पल आपके साथ हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।